हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि डॉक्टर शेस के सारे सनस्क्रीन को एक बार कंपेयर करके हमें बताइए विच वन इज़ दी बेस्ट और कौन सी वाली कौन से स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, और अगर आप उनको ट्रीट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्टिव बेस्ड इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रहे हो, बी इट नियासिनमाइड, विटामिन सी और कोजिक एसिड, अल्फा आर ब्यूटीन, रेटिनॉल यूज कर रहे हो, या फिर आप केमिकल पील्स यूज कर रहे हो, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, में से कोई भी अगर आप एक्टिव बेस इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फ्रॉम सन। होता क्या है कि जब आप ये एक्टिव बेस स्किन केयर यूज करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटाइज हो जाती है टुवर्ड्स सन। तो अगर आप जैसे मान लो ग्लाइकोलिक एसिड लगा के धूप में चले जाओगे तो आपका स्किन बर्न हो सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स जब आपने पील किया होता है तो सुपरफिशियल डेड स्किन लेयर रिमूव हुई होती है और नीचे से फ्रेश स्किन आती है, उसको सन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज आपको बर्न के चांसेस हो जाते हैं, या आप कोई भी एक्टिव बेस इंग्रेडिएंट लगाते हो तो वो तभी इफेक्टिव होता है जब आप की स्किन वेल प्रोटेक्टेड रहती है। नो, ये जो डॉक्टर शेस के रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स हैं, ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट तो करती ही है, एज वेल एज ये आपकी स्किन को बेटर करने में भी हेल्प करती है, बिकॉज इनके अंदर पावरफुल एक्टिव्स डले होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, नियासिनमाइड हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, वो आपके रूट कॉज को जाके ठीक करते हैं, और ये वन स्टेप रूटीन काइंड ऑफ बन जाती है आपकी अगर आप एक स्किन केयर मिनिमलिस्ट हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे ये सेरेमाइड एंड विटामिन सी सन स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन जो इनकी आई थी जेल क्रीम टेक्सचर में। इससे पहले इनकी एक वो थिक मिनरल वाली सनस्क्रीन आती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उसके बाद जब ये आई थी आई हैव फेल इन लव विद दीज, बिकॉज ये एक तरह का आप लगाओ कि इसमें आपको मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसमें आपको सीरम के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और सनस्क्रीन के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये हमने काफ़ी सारी ट्यूब्स फिनिश करी हैं और इसका मैंने आई थिंक आपके साथ वन ईयर का भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। ना इसके अंदर क्या है, इसके अंदर SPF 50 डाला हुआ है एंड PA इसमें 3+ है। एंटी पोल्यूशन एंड एंटी विजिबल लाइट से आपको ये प्रोटेक्ट कर रही है। 1% इसके अंदर सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है जो आपके बैरियर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, अगर आपका वीक बैरियर है तो उसके लिए दिस वन इज परफेक्ट। और इसमें डाला हुआ है 2% ऑफ विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, सन स्पॉट्स हैं, उनको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। और इसमें डाला हुआ है 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प कर रहा है। तो यही मैं आपको कह रही थी कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जले हुए हैं जो रूट कॉज में जाके आपकी स्किन को बेटर करेंगे, एज वेल एज आपको सन प्रोटेक्शन तो मिल ही रही है। नो, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसके अंदर मिनरल एज वेल एज ऑर्गेनिक फिल्टर दोनों डले हुए हैं, सो इट्स ग्रेट फॉर पीपल हु डोंट प्रेफर प्योर केमिकल सनस्क्रीन, जिनको हाइब्रिड सनस्क्रीन पसंद है। लाइक आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु प्रेफर अ हाइब्रिड सनस्क्रीन जिसमें केमिकल एज वेल एज फिजिकल फिल्टर्स दोनों हो, बिकॉज दोनों अपना अपना काम करते हैं। फिजिकल फिल्टर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, केमिकल फिल्टर्स अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या है कि काफ़ी अच्छी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है जब दोनों तरह के फिल्टर्स आपके पास होते हैं। एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एंड इवन आपको पता होगा कि डॉक्टर शेस अपने 90 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, और इनके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वही फॉर्मुलेट करते हैं और वही इनको टेस्ट भी करते हैं, सो यू कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। नाउ टेक्सचर इसका मक्खन है, ब्यूटीफुल जेल क्रीम टेक्सचर, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। बट येस, इसके अंदर एक ऑयल डाला हुआ है विच इज़ सनफ्लावर सीड ऑयल, जो एक मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है, बट स्टिल अगर आप पे वो भी सूट नहीं करता है और अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो देन यू कैन अवॉइड दिस वन। देन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और अगर आपका स्किन बैरियर वीक है देन दिस वन इज परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। सेकेंड है मेरे पास यहाँ पे इनका ये हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन, अगेन SPF 50+ एंड PA 3+ है। नाउ इसके अंदर है 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, अगेन स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा, एंड इसमें डाला हुआ है 1% ऑफ टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट जो स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। अगेन इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन। टेक्सचर इसका भी जेल क्रीम है, मक्खन की तरह स्प्रेड होता है, रीएप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, पील ऑफ नहीं होती है, आईज में स्टिंग भी नहीं करती है, वाइट कास्ट भी इसके अंदर नहीं है। ब्यूटीफुल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगर आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है, डल है, दिस वन इज फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव दिस सेंटेला एंड नियासिनमाइड सनस्क्रीन। नो, यहाँ पे डला हुआ है SPF 50 एंड PA 3+। ये ऑयल कंट्रोल ड्राई टच मैट फॉर्मूला है।
इसके अंदर सेंटेला शियाटिका डाला हुआ है विच इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, सूदिंग होता है स्किन में, और इसमें डाला हुआ है 1% ऑफ नियासिनामाइड जो ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एंड अगेन इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्सचर आपको मिलता है दैट सिलिकॉन बेस्ड, जो प्राइमर लाइक टेक्सचर होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। नाउ लाइक आई सेड कि आपको सनस्क्रीन चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप प्लस आपका प्रेफरेंस क्या है। नाउ सम पीपल प्रेफर जेल क्रीम टेक्सचर, सम पीपल प्रेफर लोशन लाइक टेक्सचर, सम पीपल प्रेफर सिलिकॉन बेस्ड टेक्सचर, जो ये प्राइमर लाइक टेक्सचर होते हैं जो मैट फील देते हैं और मैट फिनिश देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। अदरवाइज दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, दिस वन इज ग्रेट फॉर यू। लास्टली वी हैव देयर न्यूएस्ट लॉन्च, इट्स देयर मिनरल सनस्क्रीन। नाउ दिस वन हैज़ SPF 50+ एंड PA 3+। नाउ यहाँ पे डाला हुआ है 25% ऑफ जिंक ऑक्साइड विच इज अ मिनरल फिल्टर जो UVA UVB रेज दोनों से आपको प्रोटेक्ट करता है एट 25% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दैट कैन बी समटाइम ड्राइंग, बट यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है 2% ऑफ ग्लिसरीन जो कि अगेन आपकी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करती है। प्योरली अ फिजिकल सनस्क्रीन, इसके अंदर कोई भी केमिकल फिल्टर्स नहीं डले हुए हैं। टेक्सचर इसका लोशन लाइक है। ना पहले दो हमने बात करी जेल क्रीम टेक्सचर, थर्ड वन वी हैव द सिलिकॉन बेस जो मैट फिनिश देता है, एंड हेयर वी हैव अ लोशन लाइक टेक्सचर, लाइट लोशन, नॉट द थिक एंड हैवी लोशन, लाइट लोशन लाइक टेक्सचर जो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंडिंग हो जाता है। दूसरी चीज़ की इसके अंदर 25% जिंक ऑक्साइड डला हुआ है, बट स्टिल इट डजेंट गिव यू दैट वियर्ड वाइट कास्ट जो यूजली यू नो काफ़ी सनस्क्रीन, अगर आप मिनरल सनस्क्रीन की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट फील आता है, वो इसके साथ नहीं है। इट गिव्स यू इनविजिबल काइंड ऑफ अ फील, हल्का सा ड्यूई मैं बोल सकती हूँ, बट वाइट कास्ट वो नहीं है। लाइक यूजली जैसे होता है ना, जब इस तरह कोई सनस्क्रीन लगाते हो तो आपके यहाँ पे हेयर लाइन के आसपास वो वाइट वाइट इकट्ठा हो जाता है, या वेन यू स्वेट तो वैसे वाइट वाइट निकलता है, दैट इज़ नॉट द केस विद दिस वन। ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, एंड ऑन द टॉप इट्स प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग सेफ। उसमें से बहुत सारे मेरे को पूछते थे क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है, क्या ये ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, केमिकल सनस्क्रीन्स भी प्रेगनेंसी सेफ होती हैं, बट एक होता है कि जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड दे से कि अवॉइड, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा इन्ग्रीडियंट क्या कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अब्जॉर्ब हो रही है, बट ऐसा थोड़ी नहीं होता कि सिर्फ केमिकल फिल्टर्स ही अब्जॉर्ब हो रहे हैं, मिनरल फिल्टर्स भी थोड़े बहुत स्किन में अब्जॉर्ब होते हैं। बट इट जस्ट दैट कि वो नो कि हाँ कि अच्छा ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का बहुत ज़्यादा हवा मच गया है कि हाँ ये यू नो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड एवरीबडी सजेस्ट कि गो फॉर द मिनरल सनस्क्रीन, राइट। बट मैंने वो भी यूज़ करी है ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी। इफ़ यू गाइज नो आई एम अ सेकेंड टाइम मॉम, मेरा बेबी अभी 1.5 मंथ का हुआ है। सो मैंने ये भी बीच में यूज़ करी है जब मुझे लगता था कि नहीं यू नो जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो हैवी फील हो रही है, बिकॉज तब तक ये नहीं आई थी। तो जब मैंने बीच में जो भी ट्राई करी, अगर आप मुझे फॉलो करते आए हो पिछले एक साल से, यू नो मैंने कौन कौन सी फिजिकल सनस्क्रीन ट्राई करी हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छी होती थी, बट वो बहुत हैवी फील होती थी, और फिर यू नो फेस बहुत हैवी लगता था, और उसका बिल्डअप इतना हो जाता था कि शाम को आपको क्लेंजिंग ऑयल से ही उसको क्लीन करना पड़ता था। सेकंड यू नो कभी कभी ऐसा होता था कि हैवी होने की वजह से एक्नेस भी हो जाते थे। सो दैट्स वाई बीच में मैं स्विच भी हुई हूँ ये वाली सनस्क्रीन्स की तरफ, जो हाइब्रिड सनस्क्रीन्स है इनकी तरफ, एंड देन आई वाज ऑन एंड ऑफ आई वाज डूइंग दिस। तो मैंने वो भी यूज़ करी है ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, बट जब ये आ गई तो उसके बाद फिर मैंने यही यूज़ करी, बिकॉज ये बिल्कुल लाइट टेक्स्चर था, बिल्कुल हैवी फील नहीं होता था। सो ब्यूटीफुल, अगर आप प्रेगनेंट हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, दिस वन इज ग्रेट। इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नॉर्मल ऑयली एक्ने प्रोन क्लोज कॉमेडॉन प्रोन सब पे चला जाएगा, इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं डाला हुआ है। सो इट्स ग्रेट। सो फॉर दोज पीपल हु आर आस्किंग कि क्लोज कॉमेडॉन्स के लिए कौन सी बेस्ट है इन सब में से, दिस इज द वन जो आप यूज कर सकते हो इफ यू आर अ क्लोज कॉमेडॉन प्रोन पर्सन। Beautiful sunscreen, highly recommended. I hope now you can choose the right sunscreen for your skin type. And in case you're planning to purchase any of these sunscreens, I have a special code for you, which is BHAVNA20 for 20% off only on Dr. Sheth's website. Maine products ko tag kar diya hai video mein, aap check kar lijiyega. Main link bhi de dungi aapko site ka if you're interested. And kisi ne bhi try ki hai isme se koi bhi sunscreen, to please apni feedback niche comment section mein de dena.
प्लस अपना स्किन टाइप भी लिखना और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.